Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Rama,
Yeah.
Thank you.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगा आपका पहला फूलों वाली होली का एक्सपीरियंस? तो अभी फूलों की होली होना बाकी है और उसी बीच अभी भगवान को 108 जैसे 108 से अधिक है नंबर में 108 भगवान को ऑफरिंग करना है। तो हम सभी भक्त लोगों से हमारा निवेदन है कि अभी ये ऑफरिंग होगा तो ऑफरिंग के दौरान क्लास भी होगा आधा घंटा 15-20 मिनट का, जो कि गौर लीला के ऊपर जो चैतन्य महाप्रभु का जिनका आज आविर्भाव दिवस हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं के लीलाओं के ऊपर प्रभु जी ने जगत राम प्रभु जी का छोटा सा क्लास। और हरे कृष्णा, आप लोग यथास्थान पे बैठ जाइए, अभी प्रोग्राम समाप्ति नहीं हुआ है, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्दी घर भेजेंगे, लेकिन खाली पेट नहीं भेजेंगे। ये क्या था? ये अभिषेक था भगवान का, है ना? तो अभिषेक हुआ है, अभी उसका अभिषेक हुआ है। अभी जो ये फूलों का आपने होली खेला, हमारे पास कम से कम 100 किलो फूल है अभी, तो आप बैठ जाइए। बस थोड़ा सा ये जानने की अभिषेक किसका हुआ क्यों हुआ, उसके बाद सुंदर से आरती होगी और भगवान को कम से कम 100 से 108 से ऊपर भोग लगा है उसको देखिए, और फिर आपको भी भोग भगवान का हमारे प्रसाद मिलेगा। सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है, और तब तक जब तक भोग लग रहा है भगवान खा रहे हैं तब तक हम भगवान के घर में गुणगान कर लेते हैं और उसके बाद में आरती होगी भगवान का। ओके, और एक और स्पेशल चीज है वो फिर बाद में बताइए। हरे क्या तो हरे कृष्ण, हमारे और आपके बीच में बहुत दूरी हो गई है, आप लोग इधर बैठ जाइए, आगे आ जाइए या चेयर आगे लेके आ जाइए। इस दूरी को थोड़ा कम कर दीजिए। हरे कृष्ण नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अशत दिशतारिणे गौरवाणी प्रचारिणे
सुंदर भगवान की जय।
श्री सचिदानंदन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु वाव महामहोत्सव की जय। जय गौर प्रेमानंद जगत नाथ कृपाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आएगी इतनी जल्दी बंद कर दिया। अभी तो कीर्तन चलना चाहिए। गौरांग महाप्रभु का सबसे प्रिय क्या है? नृत्य और कीर्तन। तो उनके आविर्भाव के दिन अगर उनको कुछ चाहिए तो है कीर्तन और नृत्य। उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्यों? नई चीज सुनने को मिल रही है ना। कोई और नाचने और गाने से कैसे खुश हो सकता है? आजकल हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से सोचते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको, तत्व से जानना चाहते हैं हर चीज को। इसलिए कोई जान सकते कि नाचने और गाने से भी कैसे खुश हो सकता है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु और नाच कीर्तन और नृत्य से ही खुश होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डीजे में डांस करके और रॉक सॉन्ग गा के वो कीर्तन नहीं। भगवान का है गौलोक गेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये वाला कीर्तन चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है। वो चैतन्य महाप्रभु है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन है, स्पेशली उन भक्तों के लिए जिन्होंने अपना जीवन हरिनाम प्रभु को समर्पित किया है। और आप लोगों को थोड़ा साइलेंट होके सेवा करना पड़ेगा, शांत रहे इशारों में। ओके, तो जब तक भोग लग रहा है तब तक हम थोड़ा गौरांग महाप्रभु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो गौरांग महाप्रभु के बारे में कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी, अनर्पित चरंजिरात करुणयावती कलौ समर्पित उन्नत उज्जलो रसाम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्वितीय कदंब संदीपितः सदा हृदय कंदरे मम वासचिनंदन। आशीर्वाद दे रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। क्या बोल रहे हैं? अनर्पित चरिन चिराग करुणयावतीर्ण कलौ। पूरा सार एकदम बोलते हैं ना, थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा बोलते हैं ना। माय हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा साइलेंट होके करिए आप लोग से। सॉरी बट ना मेरा क्या है, थोड़ा माइंड इधर उधर ज्यादा भागता है। ओके, तो क्या बोलते हैं? अनर्पित चरिन चिराग करुणयावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वलो रसाम स्वरूप। अर्थात बता रहे हैं कि अनर्पित अर्थात जो कभी दिया नहीं गया, अनर्पित एक ऐसी वस्तु है जो आज तक दी नहीं गई। किसने नहीं दी? क्या वो वस्तु? जो भगवान है वो इस धराधाम पे अनेक रूपों में प्रकट हुए। जब देवताओं को मनुष्यों को समस्या हो गई कि किसी ने पृथ्वी को चुरा लिया है ना, देखिए कितने बड़े बड़े काम होते हैं ना, हम छोटी मोटी चीजें चुराते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी व्यक्ति होते जैसे पृथ्वी ही चुरा लिया, बड़े आश्चर्य की बात। और साइंटिस्ट लोगों को बोलेंगे बोले पृथ्वी चुरा के रखी कहाँ, क्योंकि पृथ्वी के अलावा कोई जगह ही नहीं, सब बोलेंगे। तो पृथ्वी चुरा लिया तो भगवान के पास प्रभु कृपा कीजिए क्या करें। भगवान बोले अच्छा ठीक है, टेंशन मत लो। तो भगवान वराह का अवतार देके पृथ्वी को दे दिए। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा, आज तक आप लोगों ने शायद जिस डॉन का भी नाम सुना है, कोई भी चाहे वो है या नहीं है, तो वो उसके सामने कुछ भी नहीं, मच्छर की तरह। ऐसा एक डॉन हुआ करता हुआ था जिससे देवता लोग भी कांपते थे, सूर्य चंद्र सब उसी के इशारे में चलते थे, सारे पृथ्वी सारे ब्रह्मांड उसी के इशारे में। इतना खतरनाक आदमी हिरण्यकश्यप, बहुत भयंकर, सबसे बड़ा शक्तिशाली, आज तक उससे कोई नहीं हुआ, इतना शक्तिशाली था। बताते हैं कि यमराज कहाँ रहते थे? उसके आसन के नीचे, उसके ऊपर आसन रख के बैठ जाता था। और शनिदेव को ठीक सामने रखता था, बांध के ठीक आंखों के सामने। और इंद्र उनका पैर दबाता था, इतना शक्तिशाली था पावर। समझ सकते हैं कितनी पावर होगी, कितना बल होगा उसमें, है ना। तो
उसकी समस्या होगी, देवता लोग प्रभु कृपा कीजिए, तो भगवान बोले चलो कोई टेंशन नहीं है ना। नर्सिंग अवतार लिए और एक मिनट में उसका ऑपरेशन कर दिया, 20 से सर्जरी कर दिया उसने, किसी भी हथियार से नहीं, केवल नाखून से। ये भगवान की पावर है, शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है। तो इंद्र का वज्र, जब इंद्र ने वज्र मारा था उसको, उस राक्षस को, तो वज्र उसको ऐसा लगे फूल फेंका है किसी ने, इतना कठोर था उसका। उसके बाद फिर बहुत सारे अवतार भगवान ने लिए, रावण का वध करने के लिए बहुत सारे, तो और उसमें अनेक लीलाएं भी, केवल असुर को मारा ही नहीं, भक्तों को दर्शन भी दिए, भक्तों का उद्धार भी किया, बहुत सारी लीलाएं आपने सुनी होंगी की। लेकिन और उसके बाद फिर भगवान ने भगवत गीता दी हमको, आज भी हमारे पास है भगवत गीता की अमूल्य भेंट भगवान ने दी। और उसमें कितने दयालु तक भगवान का स्मरण किया गया है, दो चीजें मैं बताऊंगा भगवान को इसमें, द्वापर युग और त्रेता युग का। आप उससे पता लगा लीजिए कोई मर्सीफुल कितना हो सकता है ना, हमारी कैटेगरी में इस मनुष्य की आपको सुनने से भी नहीं मिलेगा। तो एक बार की बात है, जब भगवान लंका पार चले गए, तो जो विभीषण जी को जब लात मारा रावण जी ने निकाला, रावण प्रभु ने बाहर निकाला, तो विभीषण जी सीधा भगवान के पास आए, तो सुग्रीव और जितने भी लोग थे देख के बोले कि ये उसका दूसरा भाई, इसको तो अब छोड़ेंगे नहीं, अच्छा अच्छा हो गया, खुद चला है। भगवान बोले थोड़ा शांत रहो, दिमाग से काम लो। तो हनुमान पहचानते थे, हनुमान जी बोले नहीं नहीं ये तो साधु है, साधु व्यक्ति है, वहां रह रहा है, तो देखते हैं किस प्रयोजन से आए हैं। तो आते ही सीधा विभीषण जी राम बहुत दूरी पे बैठे थे, विभीषण जी यहीं से प्रणाम, और प्रणाम करते ही भगवान बोले आओ लंकेश आओ। वही सुग्रीव एकदम स्टैचू बन गए वहां पे, है ना, बोले कमाल है, वहां रावण जी जिंदा है, तैयारी कर रहे हैं मारने की, युद्ध की तैयारी, और राजा बने हुए हैं, और ये बोले कि इनको लंकेश, ये क्या बात हुई। तो व्यंग से सुग्रीव जी बोले, व्यंग से, प्रभु मान लीजिए अगर रावण सीता माता को लेके विमान में बैठा के आ जाता है और आपसे बोलता है प्रभु कृपा कर मुझे क्षमा कर दीजिए, ये रही सीता माता और अब मुझे झगड़ा नहीं करना है, मुझे बख्श दीजिए, तो तब क्या करेंगे। बोले कि देखो विभीषण को तो मैंने लंकेश बोल दिया, तो लंका के राजा अब हो ही गए, तो रावण के लिए अयोध्या का राज्य दे देंगे, ये है भगवान, रावण के लिए अयोध्या का राज्य दे देंगे, ये भगवान की दया मर्सी। दूसरा पूतना, अगर हमें पता चल जाएगी कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, जान से मारने के लिए आ रहा है, तो क्या करेंगे, 56 भोग बनाएंगे ना उसके लिए, क्यों ऐसा नहीं करेंगे, वेलकम माला वाला तो। लेकिन भगवान को पता था कि कोई मारने आ रहा है, पूतना दूध पिलाने के लिए आए, 6 ही देंगे भगवान को, तो दूध पिलाने के लिए आई, भला हल विष लगा के ना स्तनु में, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंगाशया पाय दप्य साध्वी असाध्वी, है ना, भगवान को मारने के लिए आई बकासुर की बहन। तो भगवान ने उसका भी वेलकम किया, अच्छा दूध तो पिलाने आई है लेकिन जहर लगा, दोनों चीज पिलाने आई है, चलो ठीक है, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो भगवान ने उनके स्तन का पान किया, पूतना राक्षसी का जहर था वो हला हल, लेकिन पान किया, और चाहे वो बीसी क्यों न लगा था, लेकिन भगवान समझे इसने तो माँ का कार्य किया, तो इसको अब अपने धाम भेज देते और अपनी माँ की गति प्रदान की, वो यशोदा मैया की गति प्रदान की पूतना। कम वा दयालु शरणम जय हम गोपियों, क्योंकि ऐसा कौन दयालु हो सकता है, मारने आ रहा है कोई उसको अपने धाम भेज रहा है, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं है ना, और कोई आया हमको दो तमाचे मारे, तो हम उसे बोलेंगे जाओ वहां पे हमारा मकान बनाओ फ्लैट बनाओ जाके उसमें रहो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, लेकिन भगवान ऐसा बोले, उतना मारने आए बोले चलो मेरे धाम चलो, है ना। तो ये भगवान है, दो इतना बड़ा दया इसके पास हो सकता है ना। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे बोल रहे कि अनर्पित चरिन चिराग, चरिन चिराग बहुत लंबे समय से दिया ही नहीं गया, वो चीज क्या है फिर, अनर्पित अनर्पित चरिन चिराग करुणयावतीर्ण कलौ, एक ऐसी चीज जो आज तक किसी ने नहीं दी, कितने भी मर्सीफुल अवतार हुए भगवान के नहीं दी, लेकिन उस चीज को देने के लिए है ना,
समर्पित कलो अस्मिन युगे जना कलयुग के मनुष्य को देने के लिए। एकदम विरोधाभास, शायद आप समझ नहीं पाएंगे, एकदम विरोधाभास चीज है। क्या किसी के पास वो पात्रता नहीं है लेने के लिए, है ना, योग्यता नहीं है उसके पास वो चीज देने के, लेकिन फिर भी जबरदस्ती, जैसे एक पान की दुकान वाले को अगर मिनिस्टर बना दिया जाए, देश का भार संभाल दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, सबको पान खिलाएंगे। तो इसी प्रकार से किसी में योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उसको चीज दे रहे, किस लिए, करुणायावती कलो, कलयुग के भद्र जीव की स्थिति को देखते हुए हृदय द्रवित हो गया उस व्यक्ति का। तब उसने ऐसी चीज दी जो आज तक बड़े से बड़े पात्र व्यक्ति को भी नहीं मिली। आश्चर्य की बात है, क्या समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्त से। तो इसका आपको ज्यादा उसमें नहीं रखता हूं, तो बता देते हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान आए इस धरा पे, सबका उद्धार किए, परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम, दोनों चीज किए, लेकिन स्पेशल रूप से इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, गौर अंग जिनका गोरा अंग है, यानी तप्त कांति की तरह, राधा रानी की अंग कांति और कृष्ण का, राधा रानी का भाव अंग कांति लेके कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में। और क्या दिए, स्वभक्त श्रेयम, अपने भक्ति करने की योग्यता प्रदान की, स्व अपनी भक्ति करने की योग्यता, वो उन्नत उज्ज्वल रस, यानी गौलोक वृंदावन का प्रेम, जो गौलोक वृंदावन में जो ब्रजवासी जितना प्रेम भगवान को करते हैं, वही प्रेम लोगों को बांटने के लिए आए, इस कलयुग के लोगों को बांटने के लिए। कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, गौरांग महाप्रभु के। तो अपने पार्षदों के साथ भगवान प्रकट हुए नवद्वीप धाम में, नवद्वीप मायापुर धाम में, ये सब प्रदान करने के लिए। क्यों, क्योंकि किसी में योग्यता नहीं है, है ना, जैसे स्कूल में होता है ना, पहले हुआ करता था कि बेचारा जाते जाते है ना 5 साल 6 साल बीत के आगे ही नहीं बढ़ रहा है क्लास, तो उस पर दया करके उसको ग्रेस दे दिया जाता था, चलो बढ़े यार आगे कम से कम कुछ तो, है ना। उसी प्रकार से ग्रेस देने के लिए, हम योग्यता तो नहीं है, लेकिन भगवान को पात्रता देने के लिए इस कलयुग में आए, ताकि कलयुग के इस बद्ध जीव अपना उद्धार कर सके आसानी से और भगवत धाम जा सके। वो उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, वही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को पता है, दूसरे में देने की क्षमता भी नहीं है, केवल गौरांग महाप्रभु ही दे सकते। इसके बहुत गूढ़ तथ्य है, उसमें हम चर्चा भी नहीं कर सकते, उतना समय भी नहीं है। बस ये जो रूप गोस्वामी हमको सार संक्षेप में बताए, है ना, कि अनर्पित चरिम चिराग करुणयावती करो, समर्पित उन्नत उज्जलो रसाम स्वभक्त से, हम हरि पुरट सुंदर जति कदम संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत मम वोज चिरंतन। उदाहरण दे रहे हैं कि किस जिस प्रकार जंगल में गुफा होती है, और खाली गुफा होती है, तो उसमें छोटे मोटे जीव जंतु पक्षी लोग अपना घर बना लेते हैं, लेकिन जब सिंह आता है और उसके दरवाजे से दहाड़ता है, तो जितने भी पशु पक्षी थे सब उस गुफा को खाली कर देते, भाग जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ हरि के दो अर्थ हैं, सिंह जब जंगल में दहाड़ता है तो सब भाग जाते हैं। उसी प्रकार से जो ये हमारा गुफा रूपी हृदय है, जिसमें अनर्थ रूपी बहुत सारे पशु पक्षी छोटे मोटे खरपतवार पैदा हुए हैं, जब हरिनाम रूपी सिंह हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय रूपी कंदरा में जाता है भगवान का ये नाम, तो वो नाम के जाते ही ऐसा हुंकार होता है कि सारे अनर्थ और पाप समाप्त होने को होते हैं। तो ये भगवान हमारे हृदय में वो सच्चिदानंद, वो चैतन्य महाप्रभु स्फुरित हो, ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं रूप गोस्वामी। तो ये जो एक महत्वपूर्ण वस्तु थी, जिसको हम समझ भी नहीं सकते, करके भी नहीं समझते, अभी भी नहीं समझ सकते, अगर हम सोचते हैं कि हम लोग इस चीज को पालन करने लग गए, सब समझ में आ गया है, तो पता चलेगा कुछ भी समझ में नहीं है। क्यों, क्योंकि भगवान पहले ही बोलती है यजन्ति ही सुमेधसः, अर्थात जो इस कलयुग में जो भगवान के पार्षद होते हैं, वो भगवान के जो सांग उपांग पार्षद है, यानी उपांग पार्षद है, तो उनके पार्षद के साथ इस कलयुग में उनकी पूजा करते हैं, वो काफी बुद्धिमान होते हैं, सुमेधसः। एक तो होता है मेधसः,
अर्थात वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन एक होता है सुमेद सर, हाई इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान मनुष्य है कौन, जो इस तत्व को समझ जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस तत्व को समझना। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों की बहुत मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपाध्यता, कुछ गुण बताए गए हैं। तो उस गुणों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिना अहेतु की कृपा के हमारा उद्धार होना असंभव है। इसलिए भगवान इस अहेतु की कृपा करने के लिए इस धराधाम पे आते हैं। और देखिए, इतने वर्षों से भगवान अप्रत्यक्ष रूप से अभी इस धराधाम पे विराजमान है, फिर भी हम लोगों को ये मौका मिलता है, है ना? तो कितना समय लगेगा? अभी स्टार्ट हो गया भोग लगने में, रख रहे मैं पूछ रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग फिर ये करूंगा। तो भक्तों ने बहुत मेहनत करके भगवान के लिए भोग बनाए हैं, और काउंटिंग कितना हुआ? 128 भोग भगवान के लगाए हैं विभिन्न प्रकार के। तो जब हम ज्वाइन किए थे तो हमसे कुछ रिलेशन वाले पूछे थे कि भाई जॉब छोड़ रहे हो, मंदिर में जाकर खाओगे क्या? उनसे पूछे थे, जो भगवान दे दे। तो भाई अब खाना, अब तो वैद्य के पास जाना पड़ता है, तो थोड़ा डाइजेशन की दवाई दी। 108, 128, 150 भोग बनते हैं। तो जी बैठिए, तो इधर आ जाइए। तो भगवान देखिए, है ना, इसलिए भगवान देखिए, गीता जो है ना वो प्रैक्टिकल है, लेकिन करने वाले के लिए। भगवान उसमें बोले हैं, अनन्य चिंते अंतो माम ये जना परिपासते नित्याम अभियुक्ता नाम योग क्षेम नहामि। ये हमने भी पढ़ा था पहले, लेकिन हाँ ठीक है, बोला है भगवान, बोलते कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता, मुझे शरणागत भी हो जाता है तो उसका योग क्षेम वहां मैं करता हूँ, स्वयं उसके लिए लेके आता हूँ और उसका भार ढाता हूँ। तो लेकिन ये हम प्रत्यक्ष रूप से इस चीज का अनुभव ही नहीं देख ही रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, और होता भी है भगवान की केवल शरणागत होने। अभी ये नहीं कि हम शुद्ध भक्ति के कगार पर, हम तो जस्ट प्रयास कर रहे हैं भक्ति के, एक शब्द में भी अभी कदम रखे, पहली सीढ़ी पे कदम रखे हैं। तो भगवान की इतनी बड़ी अहेतु की कृपा है, तो थोड़ा सा भी जो शरणागत हो जाता है उसका क्या, जो सर्वधर्मान परित्यज्य, जो सारे धर्मों को छोड़ के, धर्म का मतलब ये मत समझिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत सारे धर्म है, है ना? तो सर्वधर्मान, जो भगवान को शरणागत हो जाता है तो भगवान उसका फिर तो स्वयं पालन करते हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देखते हैं, इसलिए देखिए। और निश्चित है कि सब कुछ भगवान का है, तो हम प्रयास करते हैं कि भगवान की सेवा में कोई कमी ना हो, है ना? तो ये एक तरह का आदान प्रदान है कि नहीं? तो जैसे घर में माँ होती है, वो अपने बेटे का हर तरह से ख्याल रखती है कि इसकी कोई कमी ना हो, लेकिन बेटा भी इस बात को समझता है तो वो भी उसके हृदय में भी सम्मान प्रकट होता है, अपने माता की कृतज्ञता प्रकट होती है। तो ये एक आदान प्रदान है, है ना? एक शुद्ध आदान प्रदान है। तो इसी प्रकार से भगवान और भक्तों के बीच में भी है, भक्त जो होते हैं भगवान पे शरणागत है कि भगवान ही सब कुछ हमारा पालन करने वाले हैं, है ना? और भगवान भी प्रसन्न होते हैं, अच्छा अब मेरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, है ना? तो अनेक ऐसे घटनाएं हैं। तो गौरांग महाप्रभु का एक घटना मैं आपको बताऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में संकीर्तन करते थे, संकीर्तन करते करते भगवान के भक्त रूप में थे, भक्त रूप में बता रहे थे कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, स्वभक्ति से मेरी भक्ति किस तरह करवा, ये सिखा रहे थे। तो एक घटना, जब नवद्वीप धाम के मैं कीर्तन करते हुए जाते हैं, उनके साथ नित्यानंद प्रभु और गदाधर जी जो राधा रानी के एक्सटेंशन है, श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर पंडित जी थे। तो एक जगह महाप्रभु चलते चलते प्रचार करते थे, सबसे बोलते थे कृष्ण कहो कहो कृष्ण 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 हरे कृष्ण बोलो हरी हरी बोलो, ऐसा बोलते थे। तो एक जगह वहां पे गए जहाँ पे मदिरालय था, मदिरालय जहाँ पे समझते हैं ना वाइन शॉप, है ना? मदिरा, लोग मदिरा पी के, पता नहीं उस समय ऐसा मदिरा होता होगा या नहीं,
जैसा आजकल मिलता है बाहर में, उस समय पता नहीं क्या होता होगा। तो लेकिन मदिरा पीते थे, तो इस प्रकार से वो जो स्थान था वहां पे लोग उनको बताए भी, अरे आप लोग तो भक्त लोग लग रहे हो, आप कहाँ को जा रहे हैं, यहाँ तो बहुत दुष्ट लोग रहते हैं, मार भी देते हैं। तो महाप्रभु बोले, महाप्रभु अपने भाव में चलते हुए जा रहे थे, तो देखा कि अंदर बहुत से लोग जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु बोले, मैं अंदर जाके इनको कृष्ण नाम सुना के आता हूँ। तो गदाधर पंडित उनको पकड़ लिए, उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोले, प्रभु मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वहां मत जाइए। बोले क्यों? बोले प्रभु वो आप कुछ बोलेंगे और मैं आपके बारे में सुन नहीं सकता, मैं उसी वक्त प्राण त्याग दूंगा या प्राण ले लूंगा। दादर जी बोले, है ना, तो आप मत जाएंगे। तो गौरांग महाप्रभु गदाधर के प्रिय थे और गदाधर भी उनको बहुत प्रिय थे। बोले कि ठीक है मैं वहां नहीं जाता, अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से संकल्प करता हूँ। तो क्या संकल्प किए चैतन्य स्वयं कुछ भी कर सकते हैं, भगवान है। बोले मैं यही से संकल्प करता हूँ कि ये सभी लोगों के पापों को इसी क्षण में खत्म करके और ये सारे लोग भगवान कृष्ण के कृष्ण प्रेम इनको प्राप्त हो जाए। ऐसा जैसे ही ये बोला तो अंदर से जितने लोग थे सब दोनों हाथ ऊपर करते हुए कृष्ण 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 करते हुए सारे शराबी लोग बाहर और नाचने लग गए, संकीर्तन हो गया वहां पे महान। तो जब ये देवताओं ने देखा तो वो तो अपने अपने विमान में ही मूर्छित हो गए कि ये क्या घटना है भाई, ऐसा कौन आ गया इस पृथ्वी पे, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्ष रूप में केवल संकल्प मात्र किए कि ये लोग कृष्ण के भक्त बन जाएं, इनके सारे पाप खत्म हो जाएं। उसी वक्त सब लोग कृष्ण नाम लेते हुए नाचने लग गए, कूदने लगे। ये है गौरांग महाप्रभु। इसलिए वो पाप तो छोड़िए, वो तो अपराध तक नहीं देखते है ना, अपराध तक नहीं देखते। केवल उनका एक ही लक्ष्य है कि जीव ये इनके कान भगवान के चरण कमलों में लगे और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल करे, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, इसका आने में व्यक्ति लगे। तो ये देने के लिए गौरांग प्रभु, गौरांग महाप्रभु आए थे। बताया जाता है कि श्री राधार भावे बे गौरावतार हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। तो श्री राधार भावे बे गौरावतार, राधा रानी का भाव, राधा रानी बहुत दयालु है ना। तो कृष्ण बोले कि मुझे फिर से जाना है, भगवत गीता तो मैंने सुना दी है लेकिन ये लोग इसको समझेंगे कैसे, बोलेंगे लेकिन मेरा स्वभाव भी थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा भी इतना ज्यादा तो सहन नहीं कर पाता हूँ मैं भी। भगवान बोले, बोले कुछ तो मैं सहन कर लेता हूँ लेकिन इतना, लेकिन राधा रानी जो है वो तो बहुत दयालु है ना, राधा रानी बहुत कृपालु है। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते। तो राधा रानी का अगर मैं भाव लूं, देखिए कभी कभी क्या होता है जैसे कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो कृष्ण उसकी तरफ देखते नहीं है, अगर कृष्ण उसको नहीं भी उद्धार करना चाहे, अगर राधा रानी ने बोल दिया कि प्रभु देखो ना मेरे से कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, कृपा उस पर कृपा कर दो, तो भगवान उसकी कृपा कर देते हैं। तो राधा रानी जो राधा रानी का हृदय है बहुत द्रवित है ना, तो राधा रानी सब पे कृपा करते हैं, इसलिए भक्त लोग राधा रानी को अपना आराध्य मान के है ना कृष्ण की पूजा करते हैं, ये हमारी गलती लगा। तो राधा रानी बहुत दयालु है, वो भक्तों के दोष अवगुणों को नहीं देखती, पात्रता अपात्रता नहीं देखती, कोई नहीं देखती कि पात्र है इसके अपात्रता है ना, वो केवल ये देखती है कि इसको ये इनके प्रकार कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तभी इसका उद्धार हो सकता है। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है, तो यही भाव भगवान ने लिया और उनकी अंग कांति। बोले मैं तो चलो पहले कभी मैं किसी रूप का कलर में आता हूँ, कभी किसी कलर में, कभी श्याम वर्ण में, लेकिन अब मैं गौर वर्ण में जाऊंगा। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रमामी, है ना। तो तप्त कांचन गौरांगी, तो गौर वर्ण धारण किया भगवान ने और राधा रानी का
भाव धारण किया और स्वयं इस कलयुग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए गौरांग महाप्रभु। तो क्यों प्रकट हुए, क्या जरूरत है ना? क्या इसलिए स्वभक्ति श्री अर्थात कुछ बताने के लिए हम लोगों को है ना सही शिक्षा कौन दे सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति अगर सबसे बढ़िया अपने बारे में कौन उसको बता सकता है? वही कोई व्यक्ति अगर उसके बारे में कौन बता, वही स्वयं ही वही जो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानता है ना? तो इसीलिए भगवान कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे भगवान प्राप्त होंगे, कैसे जीव का उद्धार हो, वो कौन जानता है? भगवान ही जानता है, कोई और व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए भगवान ही ये चीज बताने के लिए है। इसलिए भगवत गीता का भी ज्ञान भगवान है। भगवत गीता तो व्यक्ति के लिए ये समझ लीजिए कि एक मैनुअल बुक है, हमारे जीवन को। और ऐसी कोई संसार में समस्या नहीं होगी जो भगवत गीता में इसका समाधान नहीं, और ऐसी कोई वस्तु भगवत गीता का जो ज्ञान है वो किसी भी उम्र का हो व्यक्ति है ना, उसके स्वभाव के बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उसके जीवन के बारे में सब भगवत गीता में वर्णन है। भगवान ने ऐसा ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकट किया है किसी भी चीज किसी भी आचार के बारे में, ये ज्ञान भगवान ने प्रकट किया। तो अब इस ज्ञान का पालन कैसे, इसको समझेंगे कैसे? बोल तो दिया सर्वधर्मान कर्तव्य है, तो लोगों ने कम से कम नहीं भी तो कितने 100 गीता लिख दी इसको बताने के लिए है ना, अरे कैसे किया जाए? तो प्रभु भगवान बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कुछ और ही बता रहा था तो कुछ और ही समझ नहीं लगता, फिर से जाना पड़ेगा बताने के लिए, है कि नहीं? तभी गौरांग महाप्रभु स्वयं आए है ना। भोग लग रहा है, खोलते खोलते देखो आधा घंटा हो गया है ना भगवान का भोग तो अब भोग लग रहा है, अब खा रहे हैं भगवान देखे, है कि नहीं? हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी एक घटना है। अभी देखे एक बार हम क्लास ले रहे थे तो हम बोले कि भोग लग रहा है अभी भगवान को, खाने दीजिए। तो बाद में एक व्यक्ति प्रश्न किया, जब भोग वापस निकाले जब उसने पर्दा हटाया तो बोले प्रभु आप तो बोले थे कि भगवान खा रहे थे सबको, ऐसे ही रख दिए सारा कुछ ऐसी है, देखो कुछ भी नहीं खाया, सब तो ऐसी जैसा आपने लगाया था वैसी है। मैं बोलो प्रभु भगवान खा लेंगे तो फिर आप लोगों को क्या खिलाएंगे ना? अगर भगवान ने सब खत्म कर दिया तो फिर हम लोग क्या खाएंगे, भूखे रह जाएंगे। इसलिए भगवान ऐसा खाते हैं कि दूसरे के लिए भी छोड़ देते हैं। बोले देखो, मैं बोला मुझे आपने सही क्वेश्चन किया, हम लोगों ने सही क्वेश्चन, ये हमारा भी क्वेश्चन है, हमारे स्वभाव के अकॉर्डिंग हम जब खाते हैं थोड़ी दूसरे को देखते हैं, इसको भी देना है उसको भी देना है, भैया खा लो पूरा खत्म ही हो जाए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं एक सड़क पे आप 2 बोरा गेहूं का फेंक दो, चिड़िया आएगी 4 दाना चुगेगी फुर से उड़ जाएगी, बंदर आएगा थोड़ा इकट्ठा करेगा यहाँ भरेगा सीधे निकल लेगा, आदमी आएगा तो ठेला लेके आएगा साथ में, दोनों किसी के लिए छोड़ना ही नहीं है। और यहाँ तक तो नीचे गिरे होंगे उनको भी झाड़ू लगा के एकदम चिड़िया को ही नहीं ले तो ये स्वभाव है। लेकिन थोड़ी हमारे जैसा भगवान का स्वभाव होगा, तो भगवान है ना, भगवान मतलब कुछ विशेष स्पेशलिटी है उसमें, स्पेशल है, तो खाते भी है और हमको भी दे देते हैं। जैसे घर में कभी बच्चा बोलता है पिताजी मुझे चॉकलेट खाना था, तो पिताजी 10 रुपया देते हैं मिठाई, खुश हो जाता है, 2 चॉकलेट लेके आता है, बोलता है पापा ये लो आपके लिए चॉकलेट लेके आए, अरे भाई मैंने ही तो पैसे दिया, अगर पिता सोचे था मुझे क्या देगा, मैंने ही तो दिए पैसे, लेकिन पिता इतना खुश हो जाता है, अरे दिए पिताजी नहीं है पैसे, लेकिन लाके जब पिता को देता उसी भाव को उसी प्रेम को पिता खुश हो जाता है, और लेके आऊंगा मैं शाम को 10 और लेके आता है ना, ये स्वभाव देख के पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान है, सब तो भगवान का दिया हुआ है, तो क्या दे सकते हैं, उनके पास तो ट्रांसेंडेंटल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं है ना, तो हम क्या दे सकते हैं, उन्हीं का दिया हुआ उन्हीं को वापस देते हैं। प्रभु ये स्वीकार कीजिए, भगवान बोलते अरे चलो ठीक है, मैंने तो बहुत खा लिया है, मैं बहुत खाते रहता हूँ, अब तुम खाओ इसको। तो लेकिन भगवान क्या करते हैं, फिर तो बोलेंगे अगर नहीं खा रहे तो क्या जरूरत है सामने भोग लगाने का। जी बात सही है, जैसे चॉकलेट देगा तो पिताजी बोलेंगे ला थोड़ा इसका रैपर खोल के देता हूँ, है ना। तो भगवान भी उसको दृष्टिपात करके, जैसे भगवत गीता में कहा है कि
यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंत आत्म कारणार्थ। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर बिना जो ये अन्न है जो ये प्रकृति के की सहायता से और हमारी सहायता से भगवान की सहायता से उगा हुआ है इसको अगर कोई बिना भगवान को भोग लगाए केवल आत्म कारणार्थ केवल अपने पेट के लिए खाता है तो प्रत्यक्ष रूप से पाप खाता है। ये भगवान मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन आत्म कारणार्थ केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए केवल अपने बारे में सोचता है तो वो पाप ही खा रहा है। ये भगवान बोले इसलिए जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? कृपा, कृपा है ना। तो भोग होता है जब हम भगवान को देते हैं भगवान उसको अपना दृष्टिपात करके उसके सारे जो नेगेटिव चीजें होती हैं उसको सब खत्म कर देते हैं उसके सारे बुरे दोषों को खत्म कर देते हैं और हमें प्रसाद के रूप में देते हैं अर्थात कृपा। हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है हम तो खाने के लिए बहुत फेमस है आधा सैलरी खाने में ही खर्च कर देते थे। लेकिन एक बार हम घूमते घामते मंदिर गए खारगर में था इस्कॉन टेम्पल तो भाई किसी ने बोला कि यहाँ मैं बोला कुछ यहाँ खाने को मिलेगा तो बोले हाँ वो प्रसाद हॉल में लेके गए थोड़ा सा दिया तो जिंदगी में ऐसा नहीं खाया था। बोला ये क्या चीज़ है भाई वही सब्जी वही चपाती वही दाल वही राइस इतना टेस्टी ऐसी आदत लगी कि सुबह शाम आते थे और तब तक बैठे रहते थे जब तक वो बन न जाए है ना। तो ये और उससे क्या उसे प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा कि चेतना कैसे शुद्ध होती है। प्रसाद से हृदय और चेतना दोनों शुद्ध होता है ये भगवान का सबसे बड़ा मेडिसिन है जो हमेशा कारगर साबित होता है ना। सबसे बड़ा औषधि है ये महाप्रसाद। तो इसलिए महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्माणि वैष्णवे है ना। तो भगवान का जो प्रसाद है गोविंद और उसमें कोई अंतर नहीं है ये भगवान कृपा करके देते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में प्रसाद कीर्तन और नित्य इन तीन चीजों को बहुत ज्यादा प्रचार किए इन चीजों का। अब बोले क्यों भाई कलयुग के जीव सबसे ज्यादा क्या करता है खाता है खाना चाहता है और नाचना चाहता है और गाना चाहता है ये तीन चीजें ये इसमें कोई ज्यादा मेहनत है हमको तो नहीं लगता है मेहनत है। सबसे ज्यादा सरल काम यही है खाना है ना नाचना और गाना हर व्यक्ति गाता है चाहे आवाज हो या ना हो है ना। तो सब व्यक्ति गाते हैं लेकिन ये तीनों चीज से भगवान बोले कि अच्छा ठीक है जैसे आपकी प्रवृत्ति है उसी प्रकार से भी मैं आपको भगवत धाम जाने का रास्ता बताऊंगा। ये इतना दिमाग भगवान के पास हो सकता है। तो उन्होंने ये तीनों ही चीजें दी ये लोग इन तीजों को करो और भगवत धाम जाओ। कोई नाचते हुए गाते हुए और खाते हुए कैसे भगवत धाम जा सकते हैं। प्रसाद खाओ श्री अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ है ना। तो ये प्रसाद के रूप में मतलब कृपा के रूप में भगवान ने अपना अन्न दिया। जगन्नाथपुरी नाम जाते हैं इतनी घटनाएं सुनते हैं वहां का प्रसाद बहुत फेमस है ना। भगवान देवता लोग भी उसको खाने के लिए आते हैं इतना फेमस प्रसाद है वहां। और प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान खाते ही है ना ये तो प्रमाणिक है कि वहाँ भगवान खाते हैं। और आनंद बाजार में हम जाएंगे तो भगवान का उचिष्ट हमको मिलेगा उसको खा के क्या अनुभूति होती है वो ही बता सकता है जिसने खाया है ना। इसलिए बोल रहे हैं हमें और किसी चीज पे विश्वास हुआ न हुआ लेकिन इन चीजों पे जरूर हुआ है ना। एक प्रसाद पे और भगवान के कीर्तन पे जो प्रत्यक्ष अनुभूति है वही बता सकता है ना। अब तो ये कृपा देने के लिए श्री चैतन्य महापुरुष धराधाम पे प्रकट हुए कि व्यक्ति आसानी से भगवत भक्ति कर सके। अगर हम उसको बोलते हैं कि भाई चलो अच्छा वो बोले कि यार थोड़ा भक्ति करने का मन लगाता है चलो भाई चलते हैं किसी ऊंचे पर्वत पे एकदम अन्न पानी कुछ खाना नहीं है है ना एकदम सीधी कमर करके बैठ जाना है ये ऐसी हालत भैया तो बोलेगा भक्ति बात सब बोलेगा ना या उसको बोला जाए चलो व्रत रखना है निर्जला व्रत रखना है पानी भी नहीं पीना है हालत खराब हो जाएगी है ना। तपस्या कहाँ होती है कलयुग के मनुष्य की योग्यताएं भी दी गई कहाँ तपस्या होती है ना। अब देखिए आप देखते होंगे हठ योगियों को भी किसी का हाथ खड़ा खड़ा खड़े 10 साल हो गया उंगली के बराबर पतला हाथ हो गया कोई पैर खड़ा करके खड़ा है कोई कैसे खड़ा है कोई कैसे खड़ा है एक से एक मिलेंगे आपको एक से है ना। भगवान बोले सब तो नहीं कर पाएंगे तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें देते हैं जो सब आसानी से कर सकते हैं
इसलिए क्या दिए, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमित स्मरणे न काल। अपना नाम भगवान ने लिया, इसलिए भजो गौरांगो कहो गौरांगो लेहो गौरांग नाम। भगवान का नाम जो लेता है, भगवान का एक नाम करोड़ों पापों को तारने की क्षमता रखता है, ये भगवान के नामों में शक्ति है। इसलिए उनमें और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है ना। इसलिए हर धर्म आप देखिए इस कलयुग में नाम के लिए ही बोला है ना। और ये सबसे आसान भी है, वरना ध्यान करते करते नींद आ जाती है, क्यों सो जाते हैं, और भूखा रहेगा तो मनी नहीं लगेगा उसको। तो इसलिए ये इतनी आसान चीजें भगवान ने हमें उपहार के तौर पर दी, ये हमारे लिए उपहार है। अब इस उपहार को अगर ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके इसको प्रयास करते हैं जिस प्रकार से भगवान, इसलिए बताया कि तत्रा पिता स्मरणे नियमन कालह, बता रहे कि इसको जप करने के लिए, इसको करने के लिए तुम्हें कोई ज्यादा रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता नहीं है, नियम करने की आवश्यकता, और न स्थान, न स्थान की एक पर्टिकुलर स्थान है ना, और न ऐसा कि कोई समय हो कब करना है, सुबह सुबह नहा के करना है। अब पता चला कि सुबह तो कब का हो गया, उठे ही नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए भगवान ने बोला कि बस नाम कर, कैसे भी कर, तो नहाया नहीं जाता, अरे छोड़ नहाना, ऐसे ही नाम जपो है ना, बाकी उद्धार में कर दूंगा। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य की किरण, सूर्य की किरण कभी पृथ्वी पे किसी मल पे पड़ती है तो हम ये बोलते हैं अरे गंदा हो गया सूर्य का किरण, ना भाई, उसको वो मिट्टी बना के शुद्ध कर देता है, इतनी पावर होती है सूर्य की प्रकाश। उसी प्रकार से भगवान के नाम में इतना प्रकाश है कि हमारे हृदय में जो कलमश भरे हुए हैं, जो मल रूपी कलमश है, वो खत्म हो जाते हैं भगवान के नाम से, नाम मात्र से। तो ये भगवान का हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमेशा के लिए सबको देते हैं, जैसे किसी का बर्थडे आता है हम सोचते क्या दें क्या दें क्या दें इसको, क्या स्पेशल चीज है, वो सब खत्म हो जाता है देने के लिए, उसको पसंद आए ना आए। तो भगवान ऐसा नवीन चीज ये है कि हर बर्थडे में उनका ये ऐसा चीज है, तो न्यू है हमेशा के लिए, सब भक्ति श्री हम है ना। और नाम ये चीजें उपहार और प्रसाद उपहार के तौर पे भगवान ने ऐसी चीजें दी है जो हमेशा नहीं है, अब दोबारा कुछ और देने की आवश्यकता ही नहीं, ये भगवान है ना का उपहार है। देखिए हम देते हैं तो पुराना हो जाता है, दूसरी बार देंगे, और मान लीजिए कोई हर बर्थडे में उसको खड़ी देते रहे, वो भी परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा पिछला ढेर लगा हुआ है तेरा दिया। भगवान ऐसी चीज दिए है ना कि वो कभी पुराना होता ही नहीं है, तो ये भगवान के हित की कृपा है हमारे लिए। अभी वो कृपा के रूप में प्रसाद सबको प्राप्त होगा। ओके हो गया, तो अब भगवान का पर्दा खुलने वाला है, उसको सीधे उधर ही कर दीजिएगा। इसके बाद भगवान का आरती होता है, एक ड्रामा तैयार किया था लेकिन वो नहीं होगा ना, अब ड्रामा एक छोटे छोटे बच्चों ने ड्रामा तैयार किया था, चलो वो अब नहीं होगा, वो कभी फिर और मौके पर करेंगे। अभी भगवान सुंदर भगवान की, तो अभी आरती होगी भगवान का, बहुत सुंदर लास्ट आरती होगी, उसमें आप खड़े होकर रहिएगा, फिर सबको भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा। ओके हरे कृष्ण। अभी आ जाओ Gaura Chande
जयो जयो नचांदे आरती कशो Oh,
शादी करी चामर डुलाया
Thank you.
Yeah, yeah, yeah.
हरे कृष्ण हरे सभी लोगों को होली का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया महामहोत्सव का बहुत बहुत शुभकामनाएं और होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी दिवस में होलिका के शुभ अवसर पे ही इस धराधाम में प्रकट हुए थे और सभी लोग पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो पहली बार गौरांग शिक्षा मंदिर गुरुकुल में ये इसका सेलिब्रेट किया गया और आप सभी भक्त लोग आए तो आप सभी भक्तों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और गौरांग शिक्षा मंदिर की तरफ से आप लोग सभी लोगों का स्वागत करते हैं कि आप लोग यहाँ पधारे और सारे बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और जितना भी आप ये ऑर्गेनाइज देख रहे हैं यहाँ पे सारा बच्चों ने ही किया है, ये फेस्टिवल स्पेशली बच्चे लोगों ने सेलिब्रेट किया है तो एक तरफ से सीख भी रहे कि कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। तो उन्हीं का पूरा मैनेजमेंट है बच्चों का, तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि इसी प्रकार से गुरुकुल आगे बढ़ता रहे। यहाँ से जो भी व्यक्ति पढ़ के जाएगा, शिक्षा लेके जाएगा, हम यही उम्मीद करते हैं कि वो एक लीडर बन के निकले और एक समाज सुधारक निकले, इस समाज को कुछ शिक्षा दे अपने आचरण से अपने कार्यों से, यही इस गुरुकुल का उद्देश्य है। और आज सभी लोग यहाँ आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितने भी यहाँ पे गेस्ट लोग आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ विशेष तौर पे, और इसी तरह से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारा उत्साह वर्धन के लिए आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अभी
ओके, तो अभी हम लोग प्रसाद करेंगे क्योंकि इतना समय से लोग हमारे उत्साह के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रसाद का तो बस 5 मिनट का आप लोग हमें समय दीजिए क्योंकि हम लोग स्वयं गुरुकुल के बच्चे सबको प्रसाद वितरण मतलब खिलाना चाहते हैं भोज, तो यहाँ पे हम व्यवस्था कर रहे हैं। बस 5 मिनट आप लोग वेट कीजिए। हरे कृष्ण। मैं ले चलूं 2-4 मिनट तक अंदर उधर मैं जा रहा हूँ। उछाल रू